देश में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का स्टॉक बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुनिया में जहां भी ये इंजेक्शन उपलब्ध है वहां से इसे खरीदा जाए। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद दुनिया भर में भारतीय अधिकारी इस दवाई की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इन प्रयासों के बाद अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड साइंसेस माइलन तेजी से दवा की सप्लाई भारत को कर रहा है। अब तक 1,21,000 इंजेक्शन भारत पहुंच चुके हैं, वहीं 85,000 शीशी जल्द पहुंचने वाली है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गिलियड साइंसेस माइलन कंपनी के जरिए दवा की 10 लाख डोज सप्लाई करेगी। इसके अलावा कंपनी दूसरे देशों में उपलब्ध स्टॉक को वापस ले रही है जिसे भारत सप्लाई किया जाएगा। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 और कंपनियों को लाइसेंस दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक ब्लैक फंगस के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली सरकार ने भी बुधवार को बताया कि ब्लैक फंगस के 620 मामले आ चुके हैं, लेकिन इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में अब तक 2700 से ज्यादा, गुजरात में 2,859 और आंध्र प्रदेश में लगभग 700 केस दर्ज किए जा चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सदानंद गौड़ा ने बुधवार को बताया कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 29,250 अतिरिक्त शीशियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलॉट की गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले 24 मई को 19,420 और 21 मई को 23,680 इंजेक्शन की सप्लाई की गई थी। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।